नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी जम्मू के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी गुरुवार को दोपहर 12:20 पर जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ उनका जम्मू में स्वागत हुआ। जम्मू एयरपोर्ट से राहुल सीधे वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकले। वह पैदल ही यात्रा मार्ग से मां के भवन पहुंचे और रात्रि में रुक कर लाइव आरती में शामिल हुए। आज शुक्रवार सुबह वह जम्मू के लिए रवाना होंगे। यहां जेके रिजॉर्ट में पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे। जम्मू और कटड़ा में राहुल गांधी के जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर मामलों की AICC प्रभारी रजनी पाटिल समेत अन्य नेताओं की बुधवार राहुल के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठकें हुई। इसमें विभिन्न समितियों से तैयारियों की समीक्षा की गई। दिल्ली से आई सुरक्षा टीम ने भी आयोजन स्थल और कटड़ा का निरीक्षण किया। जम्मू से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। माता से क्या मांगे? माता से क्या मांगे? मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल जी बीजेपी का कहना है आप भी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी के स्टेटमेंट? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूं, और मैं यहां कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।